नमस्कार दोस्तों, ऑन ग्रिड सोलर प्लांट की ट्रेनिंग सीरीज के छठे ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शुभम मांडव आज आपसे बात करूंगा कि इन्वर्टर का रोल क्या होता है, किस टाइप्स के इन्वर्टर होते हैं, ग्रिड टाइड इन्वर्टर किस तरह काम करता है, और साथ ही साथ हम जानेंगे ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है और वो कैसे की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला रोल ऑफ इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है? वो बेसिकली आपके डीसी यानी डायरेक्ट करंट को एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है। अब डीसी और एसी का क्या मतलब है, आइए वो देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, डीसी का मतलब है कि आपके जो करंट का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, जो आपके करंट की वैल्यू है, अगर वो टाइम के साथ कॉन्स्टेंट रहती है तो उसे कहते हैं हम डीसी, डायरेक्ट करंट। और अगर आपका जो करंट है वो टाइम के साथ वेरी करता है यानी फ्लक्चुएट होता है, यानी बढ़ता है, कम होता है, फिर बढ़ता है, तो उसे कहते हैं हम एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट। अब देखते हैं कि ये डीसी और एसी के एप्लीकेशंस क्या है। तो डीसी का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? तो जो टॉर्च देखते हैं, टॉर्च लाइट जो देखते हैं आपके घरों में, उनमें जो बैटरी यूज होती है वो डीसी पावर की बैटरी होती है, और जो टॉर्च लाइट है वो डीसी पावर में चलता है। इसी तरह आपका जो लैपटॉप है वो भी डीसी पावर पर चलता है। आप लगाते हैं आपके सॉकेट के साथ है, लेकिन उसमें वो जो एसी करंट है उसको आपका जो अडैप्टर है लैपटॉप का, वो डीसी में कन्वर्ट करता है, फिर आपकी बैटरी को चार्ज करता है, उस बैटरी से आपका लैपटॉप वर्क करता है, और आपका जो फोन है, आपका फोन भी डीसी पे वर्क करता है। देखते हैं एसी पे क्या क्या चीजें वर्क करती है। तो सबसे पहले है आपका रेफ्रिजरेटर, दूसरा आपका एयर कंडीशनर, और इसके अलावा आपके कई होम अप्लायंसेस जो होंगे, माइक्रोवेव ओवन हो गया या फिर आपका कोई भी दूसरा अप्लायंस हो गया, वो सारे एसी पे वर्क करते हैं। तो अब देखते हैं इन्वर्टर के टाइप क्या होते हैं। तो हालांकि इन्वर्टर का कोई टाइप्स नहीं होते ज्यादा, लेकिन दो ब्रॉड कैटेगरी में अगर हम डिवाइड कर सकते हैं सोलर इंडस्ट्री के लिए, तो वो ये है कि एक होता है ग्रिड टाइड इन्वर्टर और एक होता है नॉर्मल इन्वर्टर। तो अब देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो ग्रिड टाइड इन्वर्टर होता है वो हम ऑन ग्रिड सोलर एप्लीकेशन में यूज करते हैं, और जो नॉर्मल इन्वर्टर होता है वो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। ग्रिड टाइड ग्रिड के साथ कनेक्टेड होता है, नॉर्मल नहीं होता है। तो ग्रिड टाइड जो होता है उसमें जो एक्सेस एनर्जी बच गई आपकी, वो जो लोकल पावर कंपनी है वो उसे खरीदती है, क्योंकि वो ग्रिड से कनेक्टेड है, तो वो जिस कंपनी का ग्रिड है वो कंपनी आपसे खरीदती है वो एक्सेस एनर्जी, जबकि नॉर्मल इन्वर्टर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ग्रिड टाइड इन्वर्टर तभी काम करेगा जब आपका ग्रिड वर्किंग मोड में होगा, यानी आपका ग्रिड चालू होगा तभी ग्रिड टाइड इन्वर्टर वर्क करेगा। और जो नॉर्मल इन्वर्टर है वो इससे पूरा उल्टा है कि जब ग्रिड ऑफ होगा, जब ग्रिड काम नहीं करेगा, तभी आपका ये नॉर्मल इन्वर्टर वर्क करेगा और आपके घर को पावर सप्लाई करेगा। अगला जो डिफरेंस, वो मेजर डिफरेंस है, वो ये है ग्रिड टाइड इन्वर्टर में MPPT होता है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था। जो मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रेसिंग जो फंक्शनैलिटी होती है वो ग्रिड टाइड इन्वर्टर में होती है, और नॉर्मल इन्वर्टर में ये नहीं होती। ग्रिड टाइड इन्वर्टर के एग्जांपल हैं स्ट्रिंग इन्वर्टर या फिर सेंट्रल इन्वर्टर, और जो नॉर्मल इन्वर्टर है उसका एग्जांपल है आपका UPS, जो आपके घर में आप यूज करते हैं। तो आइए अब देखते हैं ग्रिड टाइड इन्वर्टर कैसे काम करता है। पहला तो ये कि जो MPPT है वो आपके मैक्सिमम पावर पॉइंट को ट्रेस करता है, और फिर उस मैक्सिमम पावर पॉइंट पे आपको डीसी पावर मिलता है, और उस डीसी पावर को इन्वर्टर आपका एसी पावर में कन्वर्ट करता है। अब जो एसी में कन्वर्ट हुआ उसके बाद कई दूसरे वेरिएशंस करने पड़ते हैं, काफी सारे मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। जनरली जो हम देखते हैं इन्वर्टर वो थ्री फेज इन्वर्टर होता है, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल के लिए हम वन फेज इन्वर्टर में ही कवर कर रहे हैं। तो जो आपका कन्वर्ट हुआ एसी पावर वो फिर जाता है फिल्टरिंग के लिए, यानी ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन के लिए। अब ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन का मेन पर्पस ये है कि जो ग्रिड के अंदर पावर जो जा रहा है उसका क्या स्पेसिफिकेशंस है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो इन्वर्टर से पावर आ रहा है वो भी स्पेसिफिकेशन मैच होना चाहिए, तभी आप जो आपका सिस्टम से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ उसे आप कंपनीज तक ग्रिड के थ्रू भेज सकते हैं। ये करना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मिसमैच अगर हुआ तो ग्रिड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो इसलिए हम फिल्टरिंग या ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन का इस्तेमाल भी किया जाता है इन्वर्टर्स के अंदर ही, और इसी रीजन की वजह से इसे ग्रिड टाइड इन्वर्टर कहते हैं।
अब देखते हैं ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन है क्या एग्जैक्टली। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये एक जनरल लेआउट है किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट का या एसी पावर का। तो अब ये जो एम्पलीट्यूड आप देख रहे हैं वो बेसिकली आपके वोल्टेज की या आपके करंट की वैल्यू है, और ये जो वेवलेंथ है ये वेवलेंथ सिग्निफाई करती है वन साइकिल, यानी कि आपका जो एम्पलीट्यूड था वो जीरो से शुरू हुआ, फिर जीरो हुआ, फिर नेगेटिव मैक्सिमम हुआ और फिर जीरो हुआ। तो इस पूरे साइकिल को वन एक साइकिल कहा जाता है, और इस साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लिया जाता है, जो करंट है वो जितना टाइम लेता है इस साइकिल को कंप्लीट करने में, उसे कहते हैं हम टाइम पीरियड। आइए अब देखते हैं कि ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन यानी एग्जैक्टली आप किसके साथ मैच करना चाहते हैं। तो जो वोल्टेज की वैल्यू है वो 230 वोल्ट आरएमएस होनी चाहिए, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज होती है। अब वो कैसे निकालते हैं, वो इस तरह की फ्रीक्वेंसी 1/ टाइम पीरियड होती है, यानी अगर फ्रीक्वेंसी को आम भाषा में कहें तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, कितने साइकिल्स वो एक सेकंड में कंप्लीट कर सकता है पावर, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब जो इंडिया में जो टाइम पीरियड है वो है 20 मिलीसेकंड्स, यानी जो उसका फ्रीक्वेंसी बनेगा वो होगा 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है उसकी यूनिट है, हर्ट्ज पर सेकंड को कहते हैं। तो आप जब आपका सिस्टम ग्रिड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो ये दो कंडीशंस, वन फेज की कंडीशंस है, तो ये दो कंडीशंस ग्रिड के साथ मैच करने के बाद ही आपका जो इन्वर्टर है वो आगे पावर को सप्लाई करेगा ग्रिड तक। आइए अब देखते हैं कि इन्वर्टर की डेटा शीट कैसे रीड करते हैं। हर चीज की डेटा शीट होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हर चीज की डेटा शीट होती है। वो डेटा शीट आपको सारी जानकारी दे सकती है जो आपको नेसेसरी है एक इंस्टॉलेशन के लिए। हमने इस एग्जांपल के लिए डेल्टा कंपनी की 3 किलोवाट की ग्रिड टाइट इन्वर्टर लिया है, की डेटा शीट ली है। आइए अब देखते हैं इसको रीड कैसे करते हैं। ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज, यानी ये वोल्टेज रेंज ये है जिसमें आपका जो इन्वर्टर है वो वर्क करेगा। एमपीपी वोल्टेज रेंज, यानी आपका जो मैक्सिमम पावर है वो 320 से 500 वोल्ट डीसी के बीच में ही होना चाहिए। जो मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज है वो 630 वोल्ट डीसी ही हो सकता है। और जो स्टार्टअप वोल्टेज है, यानी इन्वर्टर को अगर आपको वर्क करवाना है, आप चाहते हैं कि आपका इन्वर्टर वर्क करे, तो आपका जो इन्वर्टर को जो सप्लाई है डीसी के थ्रू वो 150 वोल्ट डीसी मिनिमम होना चाहिए। और जो मैक्सिमम इनपुट करंट है कि कितना आप मैक्सिमम डीसी करंट इनपुट कर सकते हैं वो है 10 एम्पीयर्स। अब नंबर ऑफ एमपीपीटी भी इसमें लिखा होता है कि कितने नंबर ऑफ एमपीपीटी इस इन्वर्टर में इन्वॉल्व है। इस एग्जांपल में यानी इस इन्वर्टर की डेटा शीट में एक एमपीपीटी ही यूज है, और MC4 कनेक्टर्स हैं वो दो पेयर्स हैं। MC4 कनेक्टर्स बेसिकली आपको बताते हैं कि आप डीसी और एसी का जो आपका आउटपुट है पैनल, आपकी जो स्ट्रिंग जो आपने लगाई आपका सिस्टम लगाया उसका जो आउटपुट है वो कहाँ कनेक्ट करेंगे। तो दो पैर है, यानी आप चार वायर्स उसमें लगा सकते हैं। अब जो आउटपुट है उसका मैक्सिमम आउटपुट पावर है 3000 वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर कहो या वॉट कहो एक ही बात है। जो टेक्निकल डिफरेंस है उस पर हम नहीं जाएंगे, बल्कि आपने जो इलेक्ट्रिकल बेसिक्स वाला वीडियो देखा होगा उसमें आप समझ चुके होंगे वोल्ट एम्पियर क्या है और वॉट क्या है। जो मैक्सिमम आउटपुट करंट है, कितना आपको मैक्सिमम एसी का आउटपुट करंट मिल सकता है, वो है 14.3 एम्पियर्स। आपके एसी का वोल्टेज रेंज भी दिया हुआ है और आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज भी दी हुई है, दूसरी चीजें भी दी हुई है, और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है वो है एफिशिएंसी। पीक एफिशिएंसी का मतलब कि आपका इन्वर्टर मैक्सिमम कितनी एफिशिएंसी पे वर्क कर सकता है, तो वो है 97%। और जो यूरो एफिशिएंसी लिखी हुई है उसका मतलब है कि जो ऑन एवरेज एफिशिएंसी है वो आपके इन्वर्टर की है 96.2%। तो आप देख सकते हैं ये काफी अच्छा इन्वर्टर है क्योंकि इसकी एफिशिएंसी रेंज काफी अच्छी है। तो इस तरह आप किसी भी डेटा शीट को देख के आप पता कर सकते हैं कि इन्वर्टर अच्छा है, आपके सिस्टम के लिए सूटेबल है या नहीं। अब ये चीज करने में आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा दोस्तों, एक चीज का बहुत खास ध्यान रखना होगा, वो ये है कि
इन्वर्टर को चूज करने से पहले आपके जो टोटल करंट और वोल्टेज है सिस्टम का वो निकालिए, यानी आप अपने एक पैनल के वोल्टेज और करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग इन्वर्टर ना चूज करें, बल्कि आपने जो सिस्टम लेआउट बनाया है चाहे वो सीरीज हो, पैरेलल हो, मिक्स्ड हो, कोई भी हो, उनका टोटल करंट और वोल्टेज निकालिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपका इन्वर्टर चूज करना होता है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रिड टाइट सोलर प्लांट को कैसे डिजाइन करते हैं, हम एक कंप्लीट डिजाइन ऑफ ग्रिड टाइट सोलर इन्वर्टर सोलर प्लांट देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह डिजाइन कर सकते हैं, और वही मेथड आप यूज करके आपके घर के लिए भी डिजाइन कीजिए। हमें आशा रहेगी कि आप अगले वीडियो का इंतजार करेंगे और अगला वीडियो जरूर देखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए आपकी ओपिनियंस, आपके व्यूज, और आपके कोई क्वेश्चन हो तो वो भी। धन्यवाद।